हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक हैं, मस्त हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। और आ चुका हूं मैं अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है अपनी कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन की। सातवां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 ऑलरेडी अपलोड हो चुके, डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके, सातवें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ गया हूं। देख लेते हैं क्या क्वेश्चन और इसका क्या आंसर है। एग्जाम के अंदर ये मार्केटिंग कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन मीडिया प्लानिंग। अब ये मीडिया प्लानिंग क्या होती है, मीडिया प्लानिंग की मतलब यहां पर है कि आपका कौन सा एडवर्टीजमेंट का मेथड रहेगा, एडवर्टीजमेंट का मेथड कौन सा रहेगा। आप न्यूज़पेपर में दे रहे हो कि सोशल मीडिया में दे रहे हो कि आप बोर्ड लगवा रहे हो, बिलबोर्ड लगवा रहे हो, क्या कर रहे हो। मीडिया प्लानिंग का मतलब कि आपका जो मार्केटिंग के टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उसको बेसिकली डिसाइड करना मीडिया। अब ये मीडिया में आप कौन से जगह प्रमोशन कर रहे हो, इसके अंदर फ्री सैंपल नहीं है, ठीक है। फ्री सैंपल मीडिया का पार्ट नहीं होता, फ्री सैंपल एक इंडिपेंडेंट बात है। मीडिया का मतलब यहां पर आपका टीवी एडवर्टीजमेंट हो गया, इंटरनेट एडवर्टीजमेंट हो गया, बिलबोर्ड एडवर्टीजमेंट हो गया, सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट हो गया, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट हो गया, जहां भी एडवर्टीजमेंट वर्ड किया जा रहा है वहां पर वो मीडिया का प्लान आएगा, ठीक है। तो ये मार्केटिंग कम्युनिकेशन का पार्ट हो गया, पहले तो क्वेश्चन वहां से आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि इसकी कौन कौन सी स्टेप्स है यदि आपको आपकी मीडिया को प्लान करना है कि किस से मैं कितना करूंगा। सपोज कि मैं ये कहता हूं कि मेरा 40% जो होगा वो कंज्यूमर, वो सोशल मीडिया के थ्रू होगा, और 60% जो होगा वो न्यूज़पेपर के थ्रू होगा, ठीक है। एडवर्टीजमेंट मान लो मेरा एडवर्टीजमेंट बजट 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ का 40 लाख जो होगा वो सोशल मीडिया के थ्रू होगा, और 60 लाख जो होगा वो न्यूज़पेपर के थ्रू होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर जो होता है वो ज़्यादा कॉस्टली होता है, उसका इम्पैक्ट कम आता है, लेकिन ब्रांड बिल्डिंग में न्यूज़पेपर ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया को पढ़ने वाली चीज़ें कंज्यूमर ज़्यादातर बिलीव नहीं करता, मतलब कि उसके बिलीव होता तो है लेकिन एज कंपेयर टू द न्यूज़पेपर की जो मेमोरी है वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक रहती है और उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होता है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो इसके अंदर कौन कौन सी स्टेप्स हैं, बुक की सारी स्टेप अपन ने भी यहाँ पर लिख रखी है। पहला कि नो योर टारगेट ऑडियंस। अब मेरा कोई टारगेट ऑडियंस है, मान लो कि मेरे को कोई गेमिंग का ऐड देना है, कोई मेरा जो प्रोडक्ट है वो गेमिंग का है, गेम बना रही है हमारी कंपनी, पबजी टाइप कोई गेम बना के ला रही है। अब जब वो गेम बना के ला रही है तो उसकी ऑडियंस कहाँ मिलेगी मुझे, क्या वो न्यूज़पेपर में मिलेगी कि वो सोशल मीडिया पे मिलेगी, या इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, या एप्लीकेशंस पे मिलेगी, तो वो एप्लीकेशंस पे मिलेगी। तो यहाँ पर मेरा टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग मेरा मीडिया प्लान डिसाइड होता है, समझ में आया। और अगर मेरे को ओल्ड एज के लिए कोई प्रोडक्ट मैं डेवलप्ड कर रहा हूँ, मान लो कि लकड़ी की काठी, काठी का सारा, वैसे तो अब पुराने जमाने में बेटा ही सारा होता था, लेकिन आज तो लकड़ियों का जमाना है, आप कोई लकड़ी ला के दे रहा है और सेल कर रहा है, कोई स्टैंड ही ला के दे रहा है ओल्ड एज के लिए, ठीक है, तो वो आपके लिए प्रोडक्ट हुआ, उस प्रोडक्ट में आपको वो मीडिया कहाँ मिलेगी, वो न्यूज़पेपर पे मिलेगी, ठीक है। कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है ज़्यादा एज का, 70-75 प्लस का, उसकी मीडिया कहाँ मिलेगी, आपको न्यूज़पेपर में मिलेगी, सोशल मीडिया पे मिलेगी पर इतना फ्रिक्वेंटली नहीं मिलेगी। तो आपको यंगर जनरेशन के लिए अलग करना है, इनकम ग्रुप के लिए अलग डिज़ाइन होगा, मतलब हर चीज़ अलग अलग होती है। जैसे कि अगर मेरे को रिमोट एरिया के लिए कोई एडवर्टीजमेंट करना है, गाँव के लिए, जैसे पशु आहार का हमारा कोई प्रोडक्ट है ना, पशु आहार का कोई प्रोडक्ट है और उसको मेरे को एडवर्टीजमेंट करना है, तो उसके लिए किसान भाई बंधुओं को पांच पहुंचना होगा, तो उसके लिए रेडियो इज द बेस्ट। कौन सा एडवर्टीजमेंट का मेथड रहेगा, रेडियो इज द बेस्ट, समझ में आया। तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है अपनी चूज करने के लिए कि मेरे को 40% किस में जाना है या 60% किस में जाना है, यह डिसाइड करने के पहले मैं क्या डिसाइड करूंगा कि मेरे को किनको यह एडवर्टीजमेंट सर्व करना है, ठीक है। अब ये स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन मीडिया प्लानिंग कर लो, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एडवर्टीजमेंट प्लानिंग बोल लो, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्रमोशनल प्लानिंग बोल लो, तो नॉर्मली ये सारी स्टेप सिमिलर ही है, ठीक है। अब इसके अंदर एक स्टेप थोड़ी मिसिंग है, अपन 6 स्टेप मैं आपको इस एंड में बता ही रहा हूँ। डिफाइन योर गोल। एक बार आपने टारगेट ऑडियंस अचीव कर लिया, मान लो कि मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो है गेम की, गेम मेरा प्रोडक्ट है, कोई भी एक प्रोडक्ट गेम बेचना चाह रहा हूँ, और मेरा टारगेट ऑडियंस है 18-24 की जनरेशन, ठीक है, और एज ग्रुप
उसके बाद मेरा गोल क्या है, गोल का मतलब कि मेरे को कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेल करने हैं और किस रीजन में सेल करने हैं, मींस के किस रीजन अकॉर्डिंग इंडिया में सेल करना है और प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड सेल करना है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर नेशन में सेल करना है, यूएसए में सेल करना है, मेरे को नंबर ऑफ सेल अचीव करना है या नंबर ऑफ कस्टमर। देयर इज टू थिंग्स कि आपको नंबर ऑफ कस्टमर अभी अचीव करने हैं, कस्टमर, और बाद में आपको सेल अचीव करना है, या आपको नंबर ऑफ सेलिंग सेल्स यूनिट अचीव करनी है। देखो दोनों में डिफरेंस है, सेल्स यूनिट अचीव होगी तो आप, हो सकता है आपके कस्टमर कम हो, लेकिन कस्टमर ज़्यादा हो तो सेल्स जो हो, रेवेन्यू रिक्रिएशन, वो कम हो सकता है, यानी कि प्राइस मॉडलिंग आपकी कम हो सकती है। हो सकता है मैं 20% ऑफ का एडवर्टीजमेंट करना चाह रहा हूं, तो मेरा गोल क्या है, ज़्यादा ज़्यादा कस्टमर गेन करना और मार्केट में सर्वाइव बने रहना। और अगर मैं किसी लेविश प्रोडक्ट का कर रहा हूं तो वहां पर प्राइस जो होगी हाइक होगी, और यानी कि मैं किसी अपील कर रहा हूं कि ये प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर ब्रांड क्वालिटी के इंप्रूवाइज्ड है। जैसे कि एप्पल क्या करता है, उसका गोल क्या है, हाई लेविश पीपल को टारगेट करना, यानी कि अपर मिडिल क्लास और लेविश पीपल्स को टारगेट करना। तो ये आपको गोल पहले डिसाइड होना चाहिए और इतने नंबर ऑफ यूनिट सेल करने हैं। एक बार ऑडियंस डिसाइड हो गया और उन ऑडियंस पे अपन ने गोल डिसाइड कर लिया। उसके बाद स्मार्ट टूल्स अपन को चेक करने। अब ये स्मार्ट टूल्स क्या है, स्मार्ट टूल्स लाइक गूगल एनालिटिक्स, यूट्यूब एनालिटिक्स एंड नंबर्स ऑफ एनालिटिक्स टूल्स अवेलेबल है। आज गूगल स्मर्श है, ठीक है, कीवर्ड्स के लिए है, ब्लॉगिंग के एंड नंबर्स ऑफ एनालिटिक्स हैं कि कौन सा वेबसाइट क्या ज़्यादा मेरे को हिट करके देगा, उसके लिए मैंने एनालिटिकल टूल्स डेवलप कर रखे हैं। बहुत सी फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत सी पेड वेबसाइट है, उनका यूज़ करना। इसके अलावा जो ओल्ड डेटा होते हैं, स्टैटिकल मेथड्स होते हैं, जैसे हमने रिग्रेशन कोरिलेशन मेथड्स होते हैं, वो भी स्मार्ट टूल के अंदर आते हैं। इन सारे मेथड का इम्प्रोवाइज करना या पायलट स्टडी करना, यहाँ पर क्या हो जाती है, पायलट स्टडी भी हो जाती है। अब ये पायलट स्टडी क्या होती है, मतलब कि मेरे पास 1 करोड़ का बजट है तो मैंने 2-3 लाख रुपए खर्च करके देखे कि इसका इम्पैक्ट क्या रहा है। तो पायलट स्टडी मीन्स टेस्टिंग स्टडी, क्लियर हो गया। इसके बाद मेरे को चेक करना है डिटरमाइनिंग द परफेक्ट मीडिया मिक्स। अब परफेक्ट मीडिया मिक्स क्या है, मीडिया मिक्स का मतलब कि मेरा रेशो क्या रहने वाला है। यहाँ वैसे मीडिया मिक्स हमेशा बॉक्स में बनता है, लेकिन अपन इसको इस पाई चार्ट के मदद से समझते हैं कि न्यूज़पेपर में रेशो क्या रहेगा, सोशल मीडिया में क्या रहेगा, रेडियो पे क्या रहेगा, बिलबोर्ड पे क्या रहेगा। कोई इवेंट भी ऑर्गेनाइज होते हैं, बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं सोशल मीडिया कैंपेन के लिए, तो जैसे रेडियो जॉकी को बुला के एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा दिया, तो जैसे कि आप किसी भी मॉल्स में जाते हो तो 31 दिसंबर के समय या यूजुअली क्रिसमस के टाइम पे कुछ इवेंट्स चल रहे होते हैं, वहाँ पे किसी ब्रांड प्रमोशन का चल रहा होता है, कोई कंपनी ने नया मॉडल लॉन्च कराया तो उसके लिए प्रमोशनल एक्टिविटी चल रही होती है। यही क्या कहलाता है, हमारा मीडिया मिक्स कहलाता है। और फिर ये मीडिया मिक्स हो जाने के बाद अपन इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन इसमें जो कॉमन पॉइंट रह गया वो है अपना फॉलोअप। कौन सा पॉइंट है, फॉलोअप। ये फॉलोअप करेंगे उसके बाद ही अपने को करेक्टिव एक्शन लेने में मदद मिलती है। जो करेक्टिव एक्शन कहाँ से लेने हैं, अपन को थर्ड पॉइंट से लेने होते हैं। इसमें फॉलोअप थर्ड पॉइंट पर चला जाता है, फर्स्ट टू पॉइंट तो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होते हैं, हो सकता है पहले पे भी चला जाए, लेकिन अपन फॉलोअप हमेशा काम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो अपने टूल्स टेक्निक यूज करे हैं उन्हीं को फिर से प्री डिसाइड करना। आई होप ये क्लियर हो गया है। मीडिया प्लानिंग क्या है, मीडिया प्लानिंग का मतलब है कि हम जो एडवर्टीजमेंट में इंपैक्ट लाना चाहते हैं वो किस ऑडियंस पे लाएंगे, कितना लाएंगे, हमारा गोल क्या है और कैसे लाएंगे, और कैसे लाने के लिए जो रूट मैप तैयार होता है उसी को मीडिया प्लानिंग कहते हैं। मेरे को इस इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम इंडस्ट्री बनना है। जियो साहब के मुकेश अंबानी साहब ने पहले सोचा कि मेरे को पूरे इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम इंडस्ट्री बनना है। इसके लिए इन्होंने क्या करा कि पहले अपनी कॉस्ट जीरो रख ली, माउथ पब्लिसिटी करी, क्योंकि इनको पता था कि इंडियन कस्टमर है वो डिस्काउंट और फ्री की चीज़ें लेने जल्दी आएगा, तो वो लेने के लिए आया। उनको डेटा प्रोवाइड किया, गुड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करी, इंटरनेट कनेक्टिविटी फास्ट प्रोवाइड करी, ठीक है। जैसे कि आज भी BSNL में हमारे कई जगह ऐसी हैं जहां पर उसका नेटवर्क नहीं आता, लेकिन जियो एयरटेल वोडाफोन के नेटवर्क वहां पे अवेलेबल होते हैं। तो दिस थिंग उन्होंने अवेलेबल कराई, इससे उनका मीडिया प्लानिंग का गोल डिसाइड हुआ। अब इसमें मीडिया प्लानिंग उनका फ्री सैंपल है, लेकिन यहां पर मीडिया प्लानिंग केवल और केवल पेड एडवर्टीजमेंट या एडवर्टीजमेंट काइंड ऑफ थिंग्स हैं, यहाँ पर फ्री सैंपल नहीं लिया जाता। बस बात याद रखना, फ्री सैंपल आप कर सकते हो लेकिन इसके अंदर प्रैक्टिकली वो नहीं लिया जाता। थ्योरेटिकली तो कुछ बुक्स ने भी कह रखा है पर अपन नहीं लेंगे। अपन केवल क्या क्या चीज़ें लिखेंगे एग्जाम के अंदर, एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर, एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर, रेडियो, सोशल मीडिया और बिलबोर्ड्स, ठीक है, होर्डिंग्स जो आप नॉर्मली देखते हो, पैम्पलेट्स, ये सारे के सारे मीडिया प्लानिंग का हिस्सा है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके अंदर भी
जब अपन इसके अंदर भी मीडिया प्लानिंग कर रहे होते हैं तो किस तरीके का आर्टिकल बनाया जाए, किस तरीके का उसको थीम दी जाए, अपन को कौन सा ऑडियंस को अचीव करना है, ये पूरा का पूरा मीडिया प्लानिंग का हिस्सा होता है। क्लियर हुआ? यानी कि एक तो रेशो भी डिसाइड हो गया कि एडवर्टीजमेंट पे, मान लो कि अपन ने एक एडवर्टीजमेंट पे रेशो डिसाइड कर लिया कि 25% मेरे को एडवर्टीजमेंट पे खर्च करना है, लेकिन इस 25% में किस तरीके का एडवर्टीजमेंट देना है, कोई सोशल कॉज के लिए देना है, कोई फनी ऐड देना है ना, किस तरीके का कोई इमोशन के साथ मेरे को ऐड देना है, तो यही कहलाता है, ये भी मीडिया प्लानिंग का ही हिस्सा कहलाएगा। ठीक है, मींस के आपने केवल वहां पर एडवर्टीजमेंट बनाकर ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, एडवर्टीजमेंट बना के केवल 25% पे मीडिया प्लानिंग कंप्लीट नहीं हुई है, मीडिया प्लानिंग इसका एक फर्दर और स्टेप भी इंक्लूड होता है कि आपको किस तरीके का, अगर न्यूज़पेपर में ऐड देना है तो कलर देना है कि वाइट ब्लैक एंड वाइट देना है, और कलर देना है तो किस थीम के साथ देना है, कि सोशल कॉज, जैसे अमूल का आप ऐड देखना हमेशा करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग होता है, जो करंट में चल रहा होता है उसके थ्रू सोशल मीडिया में उसका ऐड जा रहा होता है, सो बिलबोर्ड पे उसका ऐड आ रहा होता है, न्यूज़पेपर में उसका ऐड आ रहा होता है, बात समझ में आ रही है? तो ये सारी की सारी चीजें भी मीडिया प्लानिंग का हिस्सा होती है कि हमको इमोशन बेचने है कि प्रोडक्ट बेचना है। जब हम इमोशन बेच रहे होते हैं तब प्रोडक्ट की जगह किसी कॉस्ट के ऊपर बात हो रही होती है, जब प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं तो प्रोडक्ट की बात होती है। जैसे एप्पल, चलो थोड़ा और एग्जाम्पल ग्राउंड लेवल पे लेते हैं, कैडबरी जब चॉकलेट बेचती है तो क्या कहती है कि कुछ अच्छा हो जाए तो कुछ मीठा हो जाए, मीठा खाने के लिए कैडबरी खरीदी है, वहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल के बारे में बात नहीं हो रही कि वो उसमें इतना शुगर कंटेमिनेशन है, ये सारी चीज़ें हैं, ये प्राइस है, इसमें बात नहीं हो रही, वो क्या कह रही है कुछ मीठा खाना है, इमोशन बेचा जा रहा है। और कहीं पे कुछ प्रोडक्ट के फीचर्स, जैसे मोबाइल फ़ोन हमेशा फीचर्स के अकॉर्डिंग बेचे जाते हैं, इसके अंदर इतने मेगापिक्सल का कैमरा, ये रैम है, ये रोम है, ठीक है, इतना फास्टेस्ट है, 5G 4G चल रहा है, इसमें गेमिंग के फंक्शंस हैं, तो प्रोडक्ट फीचर करना है या आप समझ सकते हैं इमोशन बेचना है, तो ये भी मीडिया प्लानिंग का हिस्सा होती है। तो मैंने आपको जो स्टेप सिखाई है इसके अंदर दोनों पैरेलल एक्टिविटी करी जाती है। क्लियर है ना? अब आपको, अब तो कोई भी डाउट नहीं बचा होगा कि सर कुछ डिफरेंट बुक्स के अंदर दोनों चीजें एक दे रखी है, कुछ बुक्स के अंदर अलग अलग दे रखी है, कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही पार्ट होती है। मींस कि अगर मैंने केवल न्यूज़पेपर में ऐड या टीवी में ऐड अगर बनाने का 30% मेरा बजट अगर डिक्लेयर कर दिया तो ये मीडिया प्लानिंग हो गई, लेकिन इसके साथ में किस तरीके का ऐड बनेगा उसका पूरा का पूरा रूट मैप भी, कौन बनाएगा, कौन डायरेक्टर होगा, कौन प्रोड्यूसर तो अपन ही होते क्योंकि अपन ऐड दे रहे होते, ठीक है, कौन उसका डायरेक्टर होगा, किस थीम बेस पे होगा, कौन सा आइडिया पिच करा जाएगा, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आती है मीडिया प्लानिंग में। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, डिटेल में अपन ने सारी पॉइंट देख लिया है ना, जल्दी अपन सारे और टॉपिक भी कवर अप कर लेंगे। आप सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और इसी की तरह हमारे साथ भी जुड़े रहिए। जय हिंद।